सुप्रभात। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं दो ध्रुवीयता कांत चैप्टर टू। तो दो ध्रुवीयता कांत हुआ था सोवियत संघ के विघटन के साथ, और दुनिया में एकमात्र वर्चस्व जो है वो अमेरिका का शुरू हो गया और वो अभी तक चल रहा है। लेकिन दो ध्रुवीयता कांत होने से पहले जो सोवियत संघ का घटनाक्रम रहा उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पता होगा कि सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति थे, उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, जिनका जन्म हुआ था 1870 में और उनकी मृत्यु हो गई थी 1924 में। व्लादिमीर लेनिन को बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की का गठन किया था और इन्हें रूसी क्रांति का जनक भी माना जाता है। अगर आपको पता होगा तो आप ये जानते होंगे कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी विचारधारा है, इसका भी संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। इनके ही नेतृत्व में साम्यवाद की स्थापना हुई थी सोवियत संघ में, और ये जो रूसी क्रांति हुआ था उसका सफल नेतृत्व इन्होंने किया था, और ये सोवियत संघ के गठन यानी कि 1917 से लेकर 1924 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। ये मार्क्सवाद सिद्धांत जो है उसके सफल संचालक माने जाते हैं। एक्चुअली मार्क्सवाद का सिद्धांत हम लोग किताब में पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है व्लादिमीर लेनिन को। तो प्रश्न ये आता है एग्जाम में कभी कभी कि सोवियत संघ का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो आप उसमें आंसर कीजिएगा व्लादिमीर लेनिन। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे, तो उसका भी आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति ये, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक ये, रूसी क्रांति के सफल नेतृत्वकर्ता व्लादिमीर लेनिन। तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इनसे काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। इनकी मृत्यु के बाद वहाँ राष्ट्रपति के पद पर आते हैं जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1879 में, और 1953 में ये इनका देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। जो काम व्लादिमीर लेनिन ने छोड़ा था उसको इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। और अगर औद्योगिकरण जो सबसे तीव्र गति से हुआ सोवियत संघ में, उसका श्रेय जोसेफ स्टालिन को जाता है। हालांकि इनको तानाशाह भी बोला गया, क्योंकि इन्होंने इनके कालखंड में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थी जो कि बलपूर्वक करवाई गई थी, जैसे खेती का सामूहिकरण, जैसे खेत जो थे वो अलग अलग टुकड़े में थे, तो जब चूंकि औद्योगिकरण हो रहा था तो डेवलपमेंट की ओर इनका फोकस था, और इसके लिए इन्होंने खेतों का सामूहिकरण कर दिया था। जैसे जो जोत थे वो समूह के रूप में उसको खेती करने का प्रयास इन्होंने किया था, और जो नहीं करता था उनको इन्होंने बलपूर्वक सामूहिकरण करने पर जोर दिया था। इनको ये भी बोला जाता है कि ये सोवियत संघ के एक तानाशाह के शासक के रूप में थे। आपको पता होगा कि इन्हीं के काल में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 1953 तक एक काल में थे, तो इनके ही काल में विश्व युद्ध हुआ था। और ये सोवियत संघ किस ग्रुप में था, धुरी ग्रुप में या मित्र ग्रुप में, तो मित्र राष्ट्र थे, और इनके नेतृत्व में धुरी राष्ट्र को पराजित किया गया था। तो ये भी एक नेतृत्व का अदम्य साहस का एक उदाहरण है आपके सामने। तो जोसेफ स्टालिन से मुख्यतः दो घटनाएं सामने आती हैं। पहला कि इन्होंने सोवियत संघ रूस में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, दूसरा कि बलपूर्वक ही सही लेकिन सामूहिक खेती का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और करवाया। और उसके बाद की घटनाएं हैं ही कि ये मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे और विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र को हराने में सफल रहे। और एक और बात था कि चूंकि 1953 में इनका मृत्यु हुआ था, तो शीत युद्ध काल भी इनके समय ही शुरू हुआ था, यानी कि शीत युद्ध के जनक भी ये माने जाते हैं। तो क्योंकि 1946 से शीत युद्ध शुरू हुआ है, तो 1953 तक ये शासन में ही थे, तो शीत युद्ध के सोवियत संघ की तरफ से जनक भी जोसेफ स्टालिन ही थे। इनकी मृत्यु के बाद वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं निकिता खुश्चेव, जो तीसरे राष्ट्रपति के रूप में होते हैं। वहाँ पर इनका जन्म होता है 1894 में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1971 में। हालांकि इनका शासनकाल बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और ये 1953 से लेकर 1964 तक के काल में ये वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं।
और ये जो थे निकिता खुशदेव वो तानाशाही के विरोधी थे, आलोचक थे, मतलब ये तानाशाह नहीं थे, ये थोड़े लिबरल टाइप के प्रेसिडेंट थे, तो ये तानाशाह के विरोधी थे, स्टालिन के विचारधारा से सहमत नहीं थे। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और इनका जो तानाशाही और अधिनायकवादी नेतृत्व था इसका आलोचना की, लेकिन इनके काल में भी कुछ घटनाएं ऐसे हुए जो कि अलग टाइप का था, जो आप कह सकते हैं कि जैसे क्यूबा मिसाइल संकट हुआ तो वहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं युद्ध का विचार था, पिग्स की खाड़ी जो हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ का एक अहम भूमिका था, फिर हंगरी का जन विद्रोह हुआ था तो हंगरी का जन विद्रोह के दमन में भी इनका एक बड़ा योगदान था। तो तानाशाह और अधिनायकवादी व्यवस्था के विरोधी होने के बाद भी इन्होंने शासन में कुछ ऐसे कालखंड रहे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। तो इन्होंने 1956 में अपने देश में सुधार के कार्यक्रम सुधार किए, काफ़ी प्रयास किया कि सोवियत संघ में कुछ सुधार आए। तो ये इनके टर्म का है, चूँकि 1953 से 1964 के बीच इनका कार्यकाल रहा है तो वारसा पैक्ट भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, वारसा संधि जो हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था, और इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ मतलब अमेरिकन गुट के साथ या पश्चिमी यूरोप के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पश्चिम देशों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव किसने दिया था, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं सोवियत राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने, ठीक है। इनकी मृत्यु 1964 में हो जाती है, उसके बाद अगले राष्ट्रपति के रूप में आते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव का जन्म 1906 में होता है और इनकी मृत्यु 1982 में होती है, यानी कि 1964 से लेकर 1982 तक ये सोवियत के राष्ट्रपति रहते हैं, 1964 से लेकर 1982 तक ये सोवियत के राष्ट्रपति रहते हैं। इनका जो पॉलिसी था, वो था कि डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा था, और जो पश्चिमी देशों के साथ जो रिलेशन थे उसके सुधार के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहे, लेकिन दो तीन घटनाएं इनके काल में घटती हैं, जिसे एक तो घटना है जैसे कि एक चेकोस्लोवाकिया नाम का स्टेट है और एक यूगोस्लाविया नाम का स्टेट है, तो दोनों साम्यवादी विचारधारा के ही देश हैं, लेकिन साम्यवादी विचारधारा होने के बाद भी वो स्वतंत्र विचारधारा के हैं, जैसे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था मानता है लेकिन भारत सोवियत के गुट में नहीं है, अमेरिका गुट में नहीं है, वैसे ही चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया भले साम्यवादी विचारधारा का था लेकिन वो किसी गुट में शामिल नहीं था, न सोवियत गुट में था न अमेरिकन गुट में था, लेकिन सोवियत संघ को ये डर था कि हो न हो वो पूंजी अर्थवादी अर्थव्यवस्था में या उदारवादी लोकतंत्र विश्वास करते हुए कहीं पश्चिमी गुटों के साथ मिल ना जाए, और इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने चेकोस्लोवाकिया में एक अपना या दबाव कहें या यूँ कहें कि एक दमनपूर्वक नीति चलाया था जिसको हम लोग ब्रेजनेव सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि ब्रेजनेव सिद्धांत क्या है, तो ब्रेजनेव सिद्धांत में यह था कि सोवियत संघ को यह डर था कि चेकोस्लोवाकिया है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चला जाएगा तो उसमें सोवियत संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो सोवियत संघ हस्तक्षेप किया था वो ब्रेजनेव के टाइम में किया था, इसीलिए इसको हम लोग ब्रेजनेव सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनके काल में दो तीन घटनाएं और घटी थी, एक घटना घटी थी कि वही जो आपको बताया मैंने चेकोस्लोवाकिया पे इन्होंने हस्तक्षेप किया था, और दूसरी घटना घटी थी कि जो अफगानिस्तान है उस पर सोवियत संघ ने सैन्य आक्रमण किया था, और ये सैन्य आक्रमण जो हुआ था ये भी वहाँ के अफगानियों के लिए काफ़ी मर्माहत करने वाला था, काफ़ी पीड़ादायक था। हालाँकि इनका भारत के साथ संबंध काफ़ी बढ़िया रहा, और 1971 में भारत के साथ जो सोवियत संधि हुआ था उसमें राष्ट्रपति यही थे, या भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय सोवियत संघ ने भारत के सपोर्ट में जो वीटो पावर का प्रयोग किया था उस टाइम भी सोवियत के राष्ट्रपति यही थे, तो भारत के साथ इनके संबंध काफ़ी बढ़िया रहे हैं और इन्होंने भारत के समर्थन में हमेशा अपना कदम बढ़ाया है। इसके बाद दो और राष्ट्रपति बनते हैं एक एक साल के लिए, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र नहीं है क्योंकि उनका टर्म काफ़ी छोटा होता है और उनका कोई उल्लेखनीय कार्यकाल नहीं रहा है। तो 4, 5, 6, 7वें राष्ट्रपति के रूप में, 7वें आयोग कहें कि सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव का नाम आता है, ये सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, और आखिरी और 7वें राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। इनका जन्म होता है 1931 में और इनका मृत्यु विगत वर्ष यानी कि 2022 में हुआ था,
ये सोवियत संघ में सुधार के जनक माने जाते हैं। इन्होंने काफ़ी सुधार का प्रयास किया। सुधार के चक्कर में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, गैराज सेल, शॉक थेरेपी, प्रस्त्रोइका और ग्लासनास्त जैसे सिद्धांत लाए गए। मतलब काफ़ी उथल पुथल भरा माहौल रहा सोवियत संघ में। जो इसके लिए लोग ये भी कहते हैं कि अगर सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके दोषी मिखाइल गोरबाचेव थे। तो इन्होंने जो संक्रमण काल था, मतलब साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का जो संक्रमण काल था, उस उनका श्रेय इनको जाता है, मिखाइल गोरबाचेव को। वहाँ की समाजवादी पॉलिसी को इन्होंने उदारवादी पॉलिसी को ले जाने का प्रयास किया, खुलेपन का नीति लाया और मतलब क्या बोले उसको, निजी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। उसके चक्कर में सोवियत संघ विघटित भी हो गया, जो एक बड़ा राष्ट्र था वो टूट भी गया। लेकिन इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है हमेशा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनास्त सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, और ग्लासनास्त का मतलब होता है खुलापन। तो इन्होंने सोवियत संघ की पुनर्रचना करने का प्रयास किया, जो सिस्टम था पहले से उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने के प्रयास की, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्ट्रोइका। ग्लासनास्त मतलब कोई भी जो हमारा अर्थव्यवस्था था इनका सोवियत संघ का, उसको खुलापन, खुला अर्थव्यवस्था के रूप में प्रयास किया। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कभी कि चीन की खुली अर्थव्यवस्था 78 में जो थी, खुले द्वार की नीति जो थी, तो वैसे ही पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनास्त का सिद्धांत था। ये क्वेश्चन अलग से आता है, मिखाइल गोरबाचेव के अलग ही प्रश्न आता है कि पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनास्त का सिद्धांत क्या है। तो पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना और ग्लासनास्त का मतलब होता है खुलापन। तो जहाँ ये वर्ड आता है वहाँ आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा शब्द है, नहीं लिखिएगा तो दिमाग से उतर सकता है। तो पेरिस्ट्रोइका का मतलब क्या होता है, पुनर्रचना, और ग्लासनास्त का मतलब होता है खुलापन। तो इन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया, और ये काफ़ी कठिन दौर माना जाता है सोवियत संघ के लिए। और 1985 में राष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ के, और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये इनका वो कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, और इन्हें सोवियत संघ का जो लोग है या सोवियत संघ के जो विरोधी नेता हैं, ये मानते हैं कि सोवियत संघ में जो राजनीतिक घुटन हुआ, जो वहाँ के लोग परेशान हुए, उसके लिए जिम्मेदार यही हैं। अब इनके बाद आते हैं बोरिस एल्सिन। तो इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये रूस के पहले राष्ट्रपति थे, क्योंकि यहाँ तक सोवियत संघ था, USSR ही था, सोवियत गणराज्य था। यहाँ पे जब सोवियत गणराज्य 91 में विघटन हो जाता है तो पहले राष्ट्रपति के रूप में आते हैं बोरिस एल्सिन। तो बोरिस एल्सिन थे कौन? तो बोरिस एल्सिन को मिखाइल गोरबाचेव के शासनकाल में मास्को का मेयर बनाया गया था। मास्को एक शहर है, वहाँ का ये मेयर थे इनके कार्यकाल में। लेकिन भविष्य में कालांतर में ये जो एल्सिन जो हैं, ये इनके सुधार कार्यक्रमों के विरोधी हो गए, और इन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन चलाया। और अगर सोवियत संघ टूटा तो कहीं ना कहीं बोरिस एल्सिन का ही संघर्षों का परिणाम था। यानी कि सोवियत संघ के विरोध में जो आंदोलन, सोवियत संघ के जो शासन के विरोध में आंदोलन चलाया गया, उसका नेतृत्व बोरिस एल्सिन कर रहे थे, और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये रूस के पहले राष्ट्रपति बने। ये 1991 से लेकर 1999 तक 8 वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रहे। इनका जन्म हुआ था 1931 में, और 2007 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जब मॉस्को का ये मेयर थे, और जब इन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये सब आप लोग पता होगा कि समाजवादी विचारधारा के लोग अधिकतर कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहते हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसका से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, और त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने आंदोलन को मूव किया, और इसका परिणाम हुआ कि सोवियत संघ बिखर गया, टूट गया, और रूस के ये राष्ट्रपति बन गए। हालांकि जो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण काल होता है, जिसमें लोगों को परेशानियां भी हुई और कुछ अच्छे परिणाम भी आए, उसके लिए बोरिस एल्सिन को दोषी माना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।